अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस चैनल पर हम चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स अपलोड करते हैं। चैप्टर 1 to 16 कम्प्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर में सीरीज वाइज मिल जाएंगे। लेक्चर अटेंड करके आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी के बारे में हो सकता है। आज का सवाल यह है कि क्या साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन रिकमेंड करते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट कभी भी मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट या एक पेशेंट पे जो है वो 3 लोग काम करते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट, दूसरा साइकाइट्रिस्ट और थर्ड पे सोशल वर्कर होता है। ठीक है, सोशल वर्कर जो है वो सोसाइटी में आपकी वर्किंग को नोट करता है, साइकाइट्रिस्ट जो है वो आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री को देखता है, मेडिसिन वगैरह जो होती हैं वो आपको प्रोवाइड करता है, और साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी बेसिकली हमें इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, ये आप सबको पता है। ठीक है, उसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है, पर्सनल हिस्ट्री भी होती है और मेडिकल हिस्ट्री वगैरह भी होती है। तो जब हम मेडिकल हिस्ट्री वगैरह के बारे में पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताएगा। अब जब आपको मेडिसिन की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि पेशेंट जो है वो डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा है, एनजाइटी की मेडिसिन ले रहा है या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर्स की मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फार्माकोलॉजी इसलिए पढ़ाई जाती है कि जब आपके पास पेशेंट आता है और वो आपको एंजियोलाइटिक्स के बारे में बताता है, एंटी डिप्रेसेंट के बारे में बताता है या एंटी साइकोटिक्स के बारे में बताता है, तो आप लोगों के पास पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, डिप्रेशन के लिए कौन सी हैं और साइकोसिस के लिए कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जब पेशेंट आपको अपने मेडिसिन के बारे में बताएगा तो आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी और आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपका पेशेंट जो आपके पास इस टाइम मौजूद है वो डिप्रेशन से पहले से गुजर रहा है या फिर वो एंजाइटी की पहले से मेडिसिन ले रहा है। तो जब आपको इस बारे में पता चल जाएगा तो फिर आप बेहतर तरीके से पेशेंट पे काम कर सकोगे। ऑब्वियसली जो पेशेंट मेडिसिन पे आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो सवेर किस्म के इश्यू से फाइट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से फिर आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट जो है किस डिसऑर्डर की मेडिसिन ले रहा है, तो फिर आप और भी ज़्यादा मेहनत करते हो उस पेशेंट पे ताकि वो रिकवर हो सके। तो बस इसीलिए हमें फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो फार्माकोलॉजी पढ़ाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि साइकोलॉजिस्ट अब मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के इंफॉर्मेशन में या नॉलेज में इजाफा करने के लिए उनको साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, ताकि वो अगर कोई मेडिसिन रिलेटेड उनके पास पेशेंट आए तो उसको अच्छे से वो डील कर सकें। आई होप आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया हो और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। इस तरह का आपका कोई भी साइकोलॉजी रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट्स में पेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आप जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।